वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के टॉपिक से रिलेटेड आईकैप की आटम 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डॉल्फिन लिमिटेड। एज एट 30 जून 2023 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, जैसे टिपिकल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के क्वेश्चन में दी हुई होती है। इसमें अगर हम देखें तो शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन और फिर करंट लाइबिलिटीज में पेएबल, इंटरेस्ट, डिविडेंड और टैक्स की फिगर है। एसेट्स में हमें नॉन करंट एसेट्स में 3 एसेट्स नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल जो हैं वो हमें दिए हुए हैं नेट के ऊपर, और एडवांस टैक्स और कैश एंड बैंक बैलेंस भी इसके अंदर गिवन है। इसके बाद एडिशनल फॉर्मेशन देखते हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्ट पेमेंट से रिलेटेड पॉइंट है कि 700 मिलियन का पेमेंट की है और 300 मिलियन उसमें से वर्क इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेट करता है। ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फिगर गिवन है। ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 520 मिलियन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 350 मिलियन वाज ट्रेडेड इन, तो एक एक्सचेंज ऑफ एसेट की इन्फॉर्मेशन गिवन है। फोर्थ इन्फॉर्मेशन में समथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। और इसमें करंट ईयर का रेट अगर 8% है तो लास्ट ईयर का डिफरेंट है 5%। सिक्स्थ इन्फॉर्मेशन में है कि 10% बोनस इशू किया है। सेवन्थ में टैक्स चार्ज की फिगर दे दी जो कि बताया हुआ है कि एट 30% कैलकुलेट किया गया है। और फिर एक जो थोड़ा सी अनयूजुअल रिक्वायरमेंट है कि डीएल क्लासिफाइज डिविडेंड इंटरेस्ट पेमेंट इन अ वे दैट कीप्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हायर। तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हायर रखना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हमें इन पेमेंट्स को फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं लेकर जाना बल्कि इनको हम फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनाएंगे। रिक्वायरमेंट टिपिकल है कि डॉल्फिन लिमिटेड के लिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाएं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। तो अब इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाएंगे। आंसर, कंपनी का नाम डॉल्फिन लिमिटेड, हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। इसमें सबसे पहले हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है और उसमें हमारा जो पहला काम होगा वो होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस को डिटरमिन करना, और वो उसके लिए हम एक नोट सेपरेटली बना लेते हैं। इस तरीके से प्रेजेंटेशन थोड़ी बेहतर और ईजी टू हैंडल रहती है। तो इनडायरेक्ट मेथड ही अप्लाई होता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि डिटेल प्रॉफिट और लॉस की फिगर्स तो हमारे पास गिवन नहीं है। अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसमें ये बताया हुआ है कि टैक्स चार्ज जो है वो 750 मिलियन का है और वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% है। यानी हम इससे रिवर्स वर्क कर सकते हैं कि अगर टैक्स चार्ज 30% है तो 100% अमाउंट जो होगी वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की होगी। तो ये कैलकुलेशन की जा सकती है कि 750 का टैक्स डिवाइड करेंगे 30% से, यानी 1% की वैल्यू आ जाए, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ताकि 100% वैल्यू आ जाए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। तो वंस हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है तो अब हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स में सबसे पहली एडजस्टमेंट जो हमारी होगी वो नॉन कैश आइटम के लिए होगी, जिसमें हम डेप्रिसिएशन को फोकस करेंगे। अब डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, लेकिन हम वर्किंग के थ्रू बना सकते हैं। तो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक अकाउंट बना लेते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम जाएं तो हमारे पास इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है 14,300 और 13,835, इनको हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन के अंदर फर्दर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। क्वेश्चन में जो फर्दर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें उन्होंने ये बताया है कि ट्रांसफर हुआ है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से,
टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 550 मिलियन का। तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में क्रेडिट होगा और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में इसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहीं पे साथ ही हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट भी बना लेते हैं। ट्रांसफर हुआ है ये फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और रिकॉर्ड हो जाएगा ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। इसके बाद एक एसेट के एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन भी है जिसमें ये बताया हुआ है कि ओल्ड मशीन जो है उसकी जगह हमने एक नई मशीन ले ली। ओल्ड मशीन की कॉस्ट जो है वो 520 मिलियन दी हुई है, लेकिन हम क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहे हैं तो हम बुक वैल्यू को फोकस करते हैं कि वो 350 है, और जो नया एसेट है वो 600 मिलियन का है न्यू मशीन, लेकिन उसमें पेमेंट जो हुई है वो सिर्फ 200 मिलियन की हुई है, यानी 400 मिलियन की अमाउंट जो है वो अगेंस्ट एक्सचेंज हमने ली है। तो कैश जो पे हुआ है वो जस्ट 200 का हुआ है, लेकिन न्यू मशीन है 600 की। तो पूरा पॉइंट ये है कि ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 520 मिलियन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 350 मिलियन वाज ट्रेडेड इन फॉर अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 600 मिलियन और पेमेंट हमने उसमें की है 200 मिलियन की नेट। तो इसको अगर हम अकाउंट में डालते हैं तो देखिए नया एसेट जो है ना वो हमारा 600 पे रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन उसमें अगेंस्ट एक्सचेंज हमारे 400 और कैश के अगेंस्ट आएंगे 200। फिर जो एसेट डिस्पोजल हुआ है उसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे विच इज 350। याद रखेंगे कॉस्ट पे नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो भी नेट पर बना रहे हैं। अब हम अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकाउंट का टोटल कर लें तो इस साइड पे 15,450 आता है, यही हमें दूसरी साइड पे लिखना चाहिए, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें डेप्रिसिएशन की फिगर मिल जाएगी विच इज 1,265। तो डेप्रिसिएशन की फिगर को हम अकॉर्डिंगली अपने पास नोट कर लेते हैं। दूसरा जो हमें एक नॉन कैश आइटम इसमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है वो आ रहा है डाउटफुल डेट्स का इनकम या एक्सपेंस जो भी एक बनेगी, तो उसकी कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करते हैं। उसके लिए हमें क्वेश्चन में एक तो देखें कि रिसीवेबल की फिगर दी हुई है, लेकिन रिसीवेबल की जो फिगर गिवन है वो नेट है, तो हमें रिसीवेबल का जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो लिखना चाहिए ग्रॉस बेसिस पर। तो ये नेट से हम ग्रॉस वैल्यू निकाल लेंगे। फिर फर्दर क्वेश्चन के अंदर कुछ डिटेल गिवन है, उस डिटेल में ये बताया हुआ है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल है वो 30 जून को 8% पर कैलकुलेट की गई है, लेकिन लास्ट ईयर के लिए रेट 5% है। तो जब हम ग्रॉस रिसीवेबल निकाल लेंगे तो सिंपली उसकी परसेंटेज के तौर पर हम जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल भी निकाल सकते हैं, और उसके इंक्रीज और डिक्रीज से हमें पता चल जाएगा कि डाउटफुल डेट का कितना एक्सपेंस या रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा। तो नोट वन की तरफ ही चलते हैं और इसमें एक वर्किंग बना लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल की। अगर आप ओपनिंग रिसीवेबल देखें तो हमें 4,085 बताए हुए हैं, लेकिन 5% की प्रोविजन है तो 95 से डिवाइड करेंगे ताकि 1% की वैल्यू आ जाए, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% वैल्यू आ जाएगी 4,300। इसी तरह क्लोजिंग टाइम पर अगर आप देखें तो रिसीवेबल गिवन है 3,588 के, लेकिन 8% प्रोविजन है, तो यानी 100 में से 8 निकाल दें तो 92%, इसलिए इसको 92 से डिवाइड करेंगे 1% आ जाए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी 3,900 की। यहाँ पर हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि 400 से जो हमारे रिसीवेबल हैं उनमें डिक्रीज आया है। अब ये रिसीवेबल की जस्ट फिगर हमने इनफैक्ट फाइंड आउट करनी थी बाद में, लेकिन ये डिक्रीज भी हमारे काम आ जाएगा जब हम डिक्रीज इन रिसीवेबल को लिख रहे होंगे। अभी हम बना लेते हैं वर्किंग फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल। ओपनिंग प्रोविजन जो है वो क्योंकि 5% है तो देखें रिसीवेबल 4,300 है, इसी का हम 5% ले लेंगे विच वुड बी 215, और क्लोजिंग टाइम पर अमाउंट तो कम है रिसीवेबल की 3,900 है, लेकिन अब जो परसेंटेज है वो 8% है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो 312। तो आल्दो के रिसीवेबल कम हो रहे हैं लेकिन जो प्रोविजन है वो उसमें इजाफा हो रहा है क्योंकि रेट बढ़ गया है। तो प्रोविजन में जो इंक्रीज है वो 215 टू 312 का है, वो 97 की अमाउंट बनती है। तो जितने से प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल इंक्रीज होती है उतने से हमारा डाउटफुल डेट का एक्सपेंस जो है वो हम रिकॉर्ड कर देंगे विच इज 97, और ये भी एड बैक होगा, नॉन कैश एक्सपेंसेस एड बैक होंगे।
फिर अभी जब हमने डेप्रिसिएशन डिस्कस की तो उसमें एक डिस्पोजल का भी इशू है, तो डिस्पोजल के इशू में हम देखते हैं कि हमारे एसेट पर हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो दोबारा अगर इस पर फोकस करें तो हमारी जो नई मशीन है वो 600 मिलियन की है, 200 हमने उसके लिए कैश में दिए, यानी हमें जो कंसीडरेशन एक्सचेंज में मिली वो 400 मिली, जबकि हमारा पुराने एसेट की जो बुक वैल्यू थी वो 350 थी। तो 350 के अगेंस्ट अगर हमें 400 मिले तो ये हमारे लिए गेन ऑन डिस्पोजल वाला सिनेरियो बन जाएगा। तो 600 का न्यू एसेट मिला, 200 कैश में, और 350 का ओल्ड एसेट हमें देना पड़ा, तो हमें इस ट्रांजेक्शन पे 50 का गेन हो गया, इसको हम लेस बैक कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन में एक पॉइंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी है, और क्योंकि उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं तो उसको भी जरा देख लेते हैं कि डीएल एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 300 मिलियन, ये तो खुद परचेज बता दी, ऑफ विच 125 मिलियन स्टिल अनपेड है, यानी उसके पैसे तो अभी तक हमने नहीं दिए, तो यानी बाकी 175 की पेमेंट कर दी होगी, और ये फेयर वैल्यू मॉडल को यूज करते हैं फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अब अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर हम एक तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट भी है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोनों को ले लेते हैं। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस 2500 और क्लोजिंग 3485, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी बैलेंस 1950 और फिर 1820 हो रहा है। हालांकि मजीद प्रॉपर्टी खरीदी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बैलेंस बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बैलेंस इनफैक्ट कम हो रहा है, और इसकी एक ही रीज़न हो सकती है, फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन तो होती नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि लॉस आया होगा हमारे पास। तो हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस और फिर इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन में से नोट किया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अगर हम कवर करते हैं, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 1950 और क्लोजिंग बैलेंस है 1820। फिर इसमें हमें यह पता है कि एक हमने नया भी खरीदा है जिसमें 300 का खरीदा है, लेकिन कुछ अमाउंट हमने कैश में दी है और कुछ पेबल है, तो अनपेड अमाउंट बताई हुई है हमें 125, तो बाकी जो 175 है आउट ऑफ 300 वो हमने कैश में पे किया होगा। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाती है 2250, ये दूसरी साइड पर भी लिख देते हैं, और अब एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट और लॉस के अंदर कितना लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए, तो 430 का लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए। दोबारा नोट वन पर आते हैं और नोट वन पर हम देखते हैं कि लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये भी प्रॉफिट और लॉस में शामिल है, जबकि ये एक किस्म का नॉन कैश लॉस है, तो वर्किंग थ्री की बेस पर 430 को हम ऐड बैक कर देंगे। इसके बाद एक जब हम इन्वेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ों को भी कवर कर चुके हैं और नॉन कैश को भी कवर कर चुके हैं, तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी ऐड बैक करना होगा जो हमने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया है, और उसकी कैलकुलेशन के लिए देखते हैं कि क्वेश्चन में डाटा क्या अवेलेबल है। अच्छा, क्वेश्चन में जो डाटा अवेलेबल है उसके अंदर हमें एक तो ये बताया हुआ है कि जो इंटरेस्ट एक्रूड है वो ओपनिंग 195 था और क्लोजिंग 140 है, और इस इंफॉर्मेशन के साथ जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 700 मिलियन की 700 मिलियन, लेकिन उसमें से जो 300 मिलियन है वो तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का हिस्सा बन गया है, यानी वो प्रॉफिट और लॉस में तो वाली अमाउंट से तो रिलेट नहीं करता, तो हम प्रॉफिट और लॉस का सिर्फ एक्सपेंस मालूम करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम वर्किंग्स की तरफ चलते हैं और हम एक और टी अकाउंट बनाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट का। इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये लिख देंगे, फिर पेमेंट हमें बताई हुई है कि 400 की है जो एक्सपेंस से रिलेटेड है, क्योंकि 300 की तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड है, तो हम टोटल करते हैं तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जो एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हुआ है, और इसको नोट वन के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं। अब जब हम यहां तक कवर कर चुके हैं तो फर्दर हमें वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को कवर करना है। वर्किंग कैपिटल की चेंजेस में सबसे पहले हम देख लेते हैं जी इन्वेंट्रीज को। तो इन्वेंट्रीज में जो इम्पैक्ट है 5000 से हो गई है 7450,
तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री है। ये लेस हो जाएगा आउटफ्लो। उसके बाद रिसीवेबल का डिक्रीज तो हमने ऑलरेडी देखे यहाँ पर कैलकुलेट किया था 400 से, तो डिक्रीज इन रिसीवेबल जो ग्रॉस है 400। और उसके बाद जो रेलिवेंट आइटम है वो देखते हैं, टैक्स कैश इंटरेस्ट अलग हो जाएगा, टैक्स अलग हो जाएगा, डिविडेंड भी अलग हो जाएगा, ट्रेड एंड अदर पेबल भी है हमारे पास। अच्छा, अब ट्रेड एंड अदर पेबल में जो है वो आपने थोड़ा सा एक दो बातों का ख्याल रखना है, और वो ये है कि ट्रेड एंड अदर पेबल में एक तो ये फिगर आ गई कि ओपनिंग 935 है और क्लोजिंग 1485 है, लेकिन इसमें 125 मिलियन जो स्टिल अनपेड है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उसको आपको निकाल कर फिर कंसीडर करना होगा। इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स 1485 जो क्लोजिंग है उसमें 125 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का है, माइनस ओपनिंग 935, तो हमें इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स पता चल गया 425 का। और यहाँ से हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो फाइनली कैलकुलेट हो जाएगा, विच इज 2962। इसको हम अपनी मेन स्टेटमेंट के अंदर जाकर लिख देंगे। और अब हमें इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड लेना होता है, लेकिन याद रखें कि इस क्वेश्चन की जो लास्ट इन्फॉर्मेशन थी उसमें ये कहा हुआ था कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हायर रखना चाहते हैं तो आप फाइनेंसिंग में शो करेंगे इंटरेस्ट पेड को, विच मीन्स कि हम इसको ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं बनाएंगे, अलबत्ता हम टैक्स को कंसीडर कर लेते हैं वरना इंटरेस्ट पेड को भी लेते हैं। अच्छा, अब टैक्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रा नोटिस करते हैं। एक तो देखें कि ये हमें ऑलरेडी टैक्स बताया हुआ है कि जी 750 मिलियन का, ये तो टैक्स का एक्सपेंस गिवन है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अंदर हमें टैक्स के कुछ बैलेंसेस भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स पेबल जो है वो ओपनिंग टाइम पर 235 था, क्लोजिंग टाइम पर 0 था, लेकिन एडवांस टैक्स ओपनिंग टाइम पर 0 था और क्लोजिंग टाइम पर 36 था। तो हम टैक्स पेबल और एडवांस टैक्स का मिलाकर एक बेसिकली टी अकाउंट बना लेंगे। इसका टी अकाउंट बना लेते हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग ईजी रहेगी। तो ये एडवांस टैक्स और टैक्स पेबल दोनों का अकाउंट है। इसमें अगर आप देखें तो ओपनिंग टाइम पर टैक्स पेबल था और क्लोजिंग टाइम पर आपका एडवांस टैक्स है, तो एसेट के तौर पर उसको हम लिखेंगे। फिर ये हमें बताया हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस में जो एक्सपेंस चार्ज हुआ है वो 750 है, तो अकॉर्डिंगली इस साइड का टोटल आ जाता है हमारा 1021, दूसरी साइड पर भी आएगा। अब ये पता चल जाएगा कि हमने कितना कैश में पे किया है, तो जो कैश में पे किया है वो 1021 की अमाउंट है। ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर एज अ आउटफ्लो हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। और हमारे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की फिगर आ जाएगी। इसके बाद हम दूसरी एक्टिविटी के तरफ चलते हैं, विच इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इसके अंदर हम वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास तीन नॉन करंट एसेट हैं, जैसे हम क्वेश्चन में फोकस कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमने क्योंकि उसमें से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट बना लिया है तो उसमें हमने जो कैश पे किया था वो 200 है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में, यानी डिस्पोजल और एडिशन का मिलाकर जो नेट अमाउंट पे हुई थी वो 200 की पे हुई थी परचेज करने के लिए। तो एक तो हम इसको मैंशन कर देंगे। दूसरा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी डेफिनेटली एडिशन हुए हैं तो उसका अकाउंट हमने वर्किंग टू में बनाया हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। वर्किंग टू की तरफ आए तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट है, इसका हम टोटल कर लेते हैं। दूसरी साइड पर सेम टोटल लिखेंगे तो एज अ बैलेंसिंग फिगर जो हमने एडिशंस किए हैं वो हमें पता चल जाएंगे, इंक्लूडिंग इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है याद रखें, क्योंकि हमने इंटरेस्ट को इधर इंटरेस्ट वाली एक्सपेंस वाली पेमेंट से निकाल दिया था, तो 1535। और ये भी जो है कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट भी, क्योंकि वो क्वालिफाइंग एसेट का है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का है, तो वो इन्वेस्टिंग के तौर पर ही शो होगा 1535। इसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्वेश्चन में खुद बताया हुआ है कि हमने खरीदी है 300 की, लेकिन उसमें से 125 की अमाउंट जो है वो स्टिल अनपेड है, तो जितना हमने कैश में पे किया सिर्फ वो लेंगे 175।
इधर आप ये देखिए वर्किंग थ्री में जो हमने कैश में लिया 175, वो कैश फ्लो में शो होगा, 125 रिमेनिंग शो नहीं होगा। तो कैश फ्लो के जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ये हमारी रेलिवेंट फिगर्स थी, इनको हमने कंप्लीट किया तो हमारे पास नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा विच इज 1910 आउटफ्लो यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर अब हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कवर करना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारा फोकस इक्विटी और बोरिंग के ऊपर होगा। तो इक्विटी के अकाउंट में देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है। तो हमारे पास इक्विटी अकाउंट में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को देखते हैं। ये देखें, एक तो इंफॉर्मेशन नंबर सिक्स को अगर आप फोकस करें, करेंट इशू किए हैं 10% बोनस शेयर, और फिर बाद में एक राइट इशू भी हुआ है जो अगेंस्ट कैश हुआ होगा। तो मेनली तो हम राइट इशू के पैसों में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बोनस इशू को भी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेंगे तो बात बनेगी। और अब देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज क्या हैं शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की। तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की जो वैल्यूज हैं वो हैं 13,000, 16,000, 0 और 1120। शेयर प्रीमियम यानी पहले नहीं था, इसका मतलब है कि जो बोनस इशू हुआ है वो रिटेन अर्निंग से हुआ होगा। हम साथ ही रिटेन अर्निंग का अकाउंट भी बना लेते हैं 10,800 और 10,150, क्योंकि रिटेन अर्निंग से फिर हमें डिविडेंड वगैरह की फिगर मिल सकती है। सो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का अकाउंट बनाएंगे। इसमें जो शेयर कैपिटल और प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस है वो तो 13,000 है, क्लोजिंग बैलेंस जो हमें दिया हुआ है वो 16,000 और 1120 है। रिटेन अर्निंग का अगर अकाउंट बनाते हैं तो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 10800 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 10150। अब इसमें एक चीज़ तो है बोनस इशू। बोनस इशू कहाँ से होता है? रिटेन अर्निंग से होता है, यानी रिटेन अर्निंग को आप डेबिट करते हो और शेयर कैपिटल जो है उसमें वो क्रेडिट हो जाता है। तो वो 1300, क्योंकि 10% दिया हुआ है तो 13,000 का ओपनिंग शेयर कैपिटल था, उसमें पहले बोनस इशू हुआ बाद में राइट इशू हुआ, तो 13,000 का 10% आपने बोनस इशू ले लिया। अब यहाँ से एज अ बैलेंसिंग फिगर वो हमें अमाउंट मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ क्लोजिंग को अगर आप कैलकुलेट करें तो 17120 बनते हैं, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें पता चल जाएगा कि राइट इशू से कैश कितना आया, तो 2820 का आया। ये हम अपनी स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट इशू जो हमारे पास है वो है कि लोन को जरा देख लेते हैं। लोन फिर डिविडेंड और इंटरेस्ट भी याद रखें कि हमने ऑपरेटिंग में नहीं लिया तो हमें यहाँ लेना होगा। तो लोन के ऊपर फोकस करते हैं। तो लोन की फिगर्स भी क्वेश्चन में गिवन है कि पहले लोन 3540 का था और अब लोन कम होकर 3275 हो गया, और इसकी एक ही रीजन है कि आपने लोन को पे कर दिया। तो लोन को फिर हम सीधा सीधा ले लेते हैं, इसमें और तो कुछ भी नहीं है। री पेमेंट ऑफ लोन 265 का पे हो गया। अब इंटरेस्ट पेड की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने इसको ऑपरेटिंग में नहीं लिया तो वो भी हम यहाँ ले सकते हैं। तो क्वेश्चन की फर्स्ट इंफॉर्मेशन में देखें कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वन है इसमें बताया हुआ कि 700 मिलियन का पे किया था, 300 मिलियन तो CWIP से रिलेट करता था, तो 400 मिलियन इंटरेस्ट पेड हम फिर फाइनेंसिंग में शो कर देंगे, और फिर हमें डिविडेंड पेड भी लेना है। डिविडेंड पेबल का अकाउंट भी आ रहा है, रिटेनिंग का अकाउंट ऑलरेडी हम बना रहे हैं। तो डिविडेंड पेड के लिए हम डिविडेंड पेबल की वैल्यूज देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 140 और क्लोजिंग बैलेंस है 260। तो रिटर्निंग के साथ ही हम डिविडेंड पेबल का अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब रिटर्निंग में डिविडेंड कितने का डिक्लेयर हुआ है ये तो बाद में पता चलेगा। पहले ऑब्वियसली हमें क्या लेना होगा, हमें लेना होगा कि रिटर्निंग में प्रॉफिट कितना ऐड हुआ। अच्छा, प्रॉफिट के लिए हमें जो लेना है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना होता है इसमें। वैसे हमने नोट वन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज़ किया था 2500 का, और 750 का टैक्स है, तो 2500 में से 750 माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया तो सिंपली दोनों साइड्स का टोटल करें,
और एज अ बैलेंसिंग फिगर जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो फिगर आपको पता चल जाएगी 1100। अब क्योंकि डिविडेंड पेबल का अकाउंट भी आ रहा है तो एंट्री हुई होगी रिटर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट। अब इस साइड का टोटल करते हैं 1240। अब एज अ बैलेंसिंग फिगर जो डिविडेंड पे हुआ है वो हमें पता चल जाएगा विच इज 980, तो ये हम आउटफ्लो के तौर पर शो कर देंगे। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी टोटल कर लेते हैं, तो इसमें नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारे पास आ गया। अब ये तीन फिगर जो हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इनका जब हम नेट करते हैं तो हमारे पास फिगर आ जाएगी कि नेट हमारा इंक्रीज कितने से हुआ है, विच वुड बी 1206। तो कैश का बैलेंस अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ओपनिंग 1010 होना चाहिए और क्लोजिंग 2216 होना चाहिए। ओपनिंग 1010 और अकॉर्डिंगली हमारे पास फिर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। तो ये इन दोनों का टोटल करते हैं तो 2216 बनता है और क्वेश्चन के मुताबिक भी क्लोजिंग बैलेंस 2216 है। तो हमारी देखें सारी फिगर्स को एक बार हमने टिक लगाया जब उनको यूज किया और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो साथ के साथ हम इस्तेमाल करते गए, तो क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।